Hello friends, in this video we are going to learn about what is exactly discrete mathematics and what is the importance of discrete mathematics. Why we are learning discrete mathematics, except we have in the syllabus discrete mathematics. Padhna kyu hai and kyu kar rahe hum, okay? So discrete mathematics is the study of mathematical structures that are fundamentally discrete rather than continuous. Discrete mathematics is a branch of mathematics involving discrete elements that use algebra and arithmetic. मतलब क्या है इसका? ऐसा मैथमेटिक मैथ्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो है डिस्क्रिट है. डिस्क्रिट मतलब कि सारे एक दूसरे से अलग अलग है, कोई कंटिन्यूअस नहीं है. क्या हम सेपरेट जो कि एलिमेंट हम सेपरेट कर नहीं सकते, हर एक एलिमेंट अलग अलग होगा और उस पर मैथमेटिक्स जब हम अप्लाई करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्क्रिट मैथमेटिक्स. Almost all middle or junior high school and high school across the country closely follow a standard mathematics curriculum with a focus on continuous mathematics. Like हमने आज तक जो है जो mathematics जो पढ़ा है school में वो उसमें continuous mathematics mostly हुआ है. उसमें क्या क्या हुआ है? We had covered pre-algebra, algebra, geometry, algebra 2, trigonometry, pre-calculus, calculus and so on. So the basically what is the difference between discrete and continuous? Discrete means कि जो ऐसा थिंग जो सेपरेट हो सके, एंड कंटिन्यूअस मतलब कि ऐसा कुछ थिंग या एलिमेंट जो कि कभी सेपरेट हो नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस. सो डिस्क्रीट मीन्स इंडिविजुअल, सेपरेट, डिस्टिंग्विशेबल, इंप्लाइंग डिसकंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस. एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट दैट कैन अज्यूम ओनली डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज. कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स while on the other hand it is a math containing object that can vary smoothly. example calculus, okay? for example like humne bol diya ki continuous math hai aapka, to when I say ki like sine wave ka jo hai diagram banao to hum uska jo hai continuous mathematics hoga. and discrete kya ho jayega ki for example sare jo integers hai, okay, unme se ek pehle 5 integer wo jayenge डिस्क्रिट, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है और वो अलग सेपरेट हो सकता है. वेल कंटिन्यूअस मतलब कि ऐसी चीज जो मैथमेटिक्स में तो है बट वो सेपरेट हो नहीं सकती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो से अ डिजिटल क्लॉक इज डिस्क्रिट इन नेचर. वाई? बिकॉज देर इज नो कंटिन्यूअस टाइम एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम इज ऑल्सो डिफरेंट. लाइक हमारा जो डिजिटल क्लॉक होता है जिसमें जो है कोई टिक 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 का आवाज नहीं आता या कोई रोटेशन होता नहीं है, एग्जैक्टली डायरेक्टली वॉट वी जस्ट गेट द टाइम. टाइम बदलता है डिजिटल क्लॉक में और वो डिस्क्रिट इन नेचर होता है. वाइल ऑन द अदर हैंड एनालॉग क्लॉक जो हमारे वॉल पे रहता है और घर में जो रहता है मोस्टली दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर. वाई? बिकॉज इन एनालॉग क्लॉक क्या क्या होता है? हमारा आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड सारे के सारे होते हैं एंड वो क्या होते हैं? मूव भी होते हैं. दे मूव स्मूथली ओवर टाइम. सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे कि आवर एंड मिनट एंड सेकंड हैंड हमारे एनालॉग क्लॉक में जो हमारे वॉल पे होता है. तो तीनों की जरूरत होती है हमें टाइम बताने के लिए इन एनालॉग क्लॉक. सो वी से एनालॉग क्लॉक इज अ कंटिन्यूअस. ओके? फॉर एग्जांपल दीज आर द ग्राफ्स शोइंग यू द डिस्क्रीट टर्म्स एंड द कंटिन्यूअस टर्म्स. दिस ग्राफ्स विल शो यू व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. The next I can say, अगर for example I given you the question count the number of apples on a tree, so can you able to count the number of apples on a tree? Yes, possibly it will take some time, but yes you can count the number of apples on a tree. तो ये क्या हो जाएगा? ये problem statement हो जाएगा discrete. हाँ, आप apple के पेड़ के ऊपर के apple कितने हैं वो गिन सकते हो, that is a discrete. And if I say you question like count how many liters of water present in a sea और इन एनी अरेबियन सी, यू कैन नॉट बी एबल टू काउंट कि कितने लीटर का पानी है उधर. ओके? आपकी पूरी दुनिया चली जाएगी उसमें काउंट करने में, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू काउंट कि उसके अंदर कितने लीटर पानी है समुन्दर में. सो दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स. Now, thus we have understood what is discrete mathematics. Now, what is the importance of discrete mathematics? Why we are learning this subject? Because, for example, like we can say that every information in the computer is stored in the format of zeros and ones. That is not stored in the format of zero
एंड इन बिटवीन वन. सो लाइक इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर होती है वो खुद ही डिस्क्रीट नेचर की होती है. हर एक कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो इधर जीरो होता है या वन होता है. ऐसा नहीं कि जीरो एंड वन के बीच में की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरोज एंड वन ही होता है. द सेम वे जो डिस्क्रीट डिस्क्रीट टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्म्स जो है, उसके मेनी डिफरेंट एरियाज है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मेनी डिफरेंट एरियाज है. एंड ये जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज अ गेटवे टू मोर एडवांस कोर्सेस. जो भी हमारे एडवांस कोर्स है लाइक कंप्यूटर में, आईटी में, अदर सेक्टर में, उसके लिए क्या होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेस है. एंड दिस इज बेस फॉर रीजनिंग स्किल एंड इट इम्फसाइजेस ऑन द न्यू रोल ऑफ मैथमेटिक्स. जो आज तक हमने मैथमेटिक्स किया था उससे हटके थोड़ा अलग जो है न्यू रोल, जो मैथमेटिक्स जो है जिस चीजों के लिए हम मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते थे उनको मैथमेटिक्स में अप्लाई करना, चेंज करना एंड टू अप्लाई करना, दैट इज द टास्क ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. एंड वन ऑफ द मेजर 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 important role of discrete mathematics is to map real life example in the mathematical form. Like for example, अगर मुझे आज तक जो school में हुआ था कि suppose तुम्हें suppose one point से लेकर second point तक जाना है, या suppose we can say for example पुणे से लेकर मुंबई तक जाना है तो shortest way कौन सा है. आज तक तो school में जो पढ़ाया था उसमें ये कुछ नहीं था. अब पुणे से मुंबई जाना भी है तो उसको मैं कैसे represent करूँ, ये तो आज तक पढ़ाया नहीं था. तो what we can say like पुणे से मुंबई मुझे shortcut route या shortest जो है time जिसमें लगेगा वो वैसा वाला बात निकालना है. तो अब इस केस में भी इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो रियल लाइफ के ओरिजिनल एग्जांपल है जिसमें आज तक का हमने मैथमेटिक्स जो पढ़ा है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं, उन पहले उन चीजों को मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना एंड उस पे जो मैथमेटिक्स से अप्लाई करना, इन सब बेसिक चीजों के लिए हम सीखते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो इसका इस लाइक एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या होगा, पुणे टू मुंबई हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, हम सिटी 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 खेलेंगे या उसके बीच में कनेक्शन लगाएंगे एंड हम अज्यूम करेंगे कि उसके बीच का जो है एज जो हमने ग्राफ पे निकाला है तो उसके बीच का जो भी एज है लाइक वो 10 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, उतना छोटा सा पॉइंट या छोटा सा जो भी है. तो एंड वी कैन से कि अब ये जो निकल के आया है डायग्राम उसमें से भी जो कम डिस्टेंस वाला पाथ है वो होगा मेरा फाइनल आंसर. So this is one of the example of discrete mathematics application. Apart from solving real life example, there are different ways to solve this real life examples and this can be solved by using set representation. Like discrete mathematics में क्या क्या आता है, आ सकता है, apart from जो मैंने बोला है उससे भी ज्यादा आ भी सकता है. तो what I am listing some of the जो terms है जो आते हैं discrete mathematics में, these are sets, propositions, combinations, probabilities, graphs, trees, and different representation and format of graphs and trees, and algebraic methods. Thank you users, don't forget to like and subscribe.